25 लाख रुपए का कर्जा उस बंदे के ऊपर हो चुका था। उसकी उम्र थी करीब 22 से 24 साल, 22 24 साल, 24 साल अप्रोक्स, 23 साल यार, 23 ईयर्स की एज में 25 लाख का कर्जा। उसके मन में सिर्फ एक ही चीज आती थी, सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों बात है कुछ पुरानी, एक स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। एक स्टूडेंट हुआ करता था 2016 में, ठीक है। उसका एम था बिजनेस करना, ध्यान से सुनना भाई। जो भी लोग के मन में ये आता है ना कि अरे यार पेपर नहीं क्लियर हो रहा, सुसाइड कर लेते हैं, और हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, हमको कुछ करना है, घर वाले ताने देते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना, इस स्टोरी को सुनना, शायद आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाए। 2016 भी नहीं, थोड़ा और पीछे चलते हैं, 2012 से बात करते हैं। 2012 की बात है, एक स्टूडेंट हुआ करता था जिसका एम था बिजनेस करना, जो लाइफ में कभी किसी के अंडर काम नहीं कर सकता था। उसको ऐसा लगता था कि यार मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, मेरे अंडर लोग होने चाहिए। मतलब वो वाला जो फील होता है ना यार, कि खुद खुद के बॉस हम हैं, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, दूसरों के हिसाब से नहीं। कोई हमको बोले कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम ऐसा कर दो, तुम वैसा कर दो, वो चीज नहीं थी उसके अंदर। और इसके चलते पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं लगता था, पढ़ाई में हमेशा मतलब ऐसा था कि 60-70%, इससे ज्यादा कभी आते ही नहीं थे। उसको ऐसा लगता था कि यार बस मुझे तो बिजनेस करना है, मुझे तो बड़ा आदमी बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं, बहुत पैसे कमाने हैं, नाम कमाना है, बहुत आगे जाना है, और हम कर लेंगे, दिमाग है अपने पास, बहुत कर लेंगे, ऐसा था। उसके बाद क्या हुआ कि पैसा कमाने का जो जोश होता है ना, वो गलत रास्तों पर ले जाता है। तो 2012 में कॉलेज में कुछ गलत संगति, कुछ गलत दोस्तों और गलत संगति में पड़ने के वजह से वो पैसा कमाने के गलत रास्तों की तरफ जाने लगा। वो रास्ते थे आईपीएल, सट्टा, ठीक है, और ऑनलाइन बैटिंग। तो ये सब चीजों के चक्कर में वो पढ़ने लगा, फिर शेयर मार्केट, और घुसता चला गया, घुसता चला गया। उसको ऐसा लगता था कि आज 5,000 का नुकसान हुआ है तो कल 5 लाख रुपए कमाएंगे। तो बस वो करते गया, करते गया, करते गया, करते गया। अब पैसे कहां से लाए भाई, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, पैसे कहां से लाएगा? तो उसने ऐसे ऐसे काम किए जो मतलब बता भी नहीं सकते, बहुत बेकार बेकार भी काम किए, जैसे कि घर से पैसे चुराना, सामान बेच देना, लैपटॉप गिरवी रख देना, अपनी सिस्टर के अकाउंट के पूरे पैसे खाली कर देना, अपने अकाउंट में जो उसके फादर ने एफडीज वगैरह करवा के रखी थी उसके फ्यूचर पढ़ाई के लिए, शादी वगैरह के लिए, उन सारी एफडीज को तोड़ के उससे पैसे पटाना। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि अब पैसे सब तरफ से खत्म, कुछ नहीं, कुछ बचा ही नहीं था पैसों के लिए, तो अब क्या किया जाए? तो उसके बाद फिर उसने क्या किया कि लोगों से उधारी लेने लगा, और उधार भी किस तरीके से, 10% मंथली इंटरेस्ट, 10%। अब जब लोगों को पता चलता है ना कि हाँ इसको पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं, मना कर देते हैं, नहीं दे सकते भाई,
अब उसको पैसे की जरूरत थी, देना ही है देना ही है देना ही है, क्या करें क्या करें। तो वो लोग बोलते थे भाई दे तो देंगे, 10 का नहीं 15% देना पड़ेगा ब्याज मंथली। तो वो 15% पर भी पैसे लेने लगा, फिर लोग और फायदा उठाने लगे, 15 में भी मना करने लग गए, फिर 20% में देने लग गए। 20% का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आप 1 लाख रुपए ले रहे हो किसी से, तो आप हर मंथ उसको 20,000 इंटरेस्ट दे रहे हो, यानी 5 महीने में पैसा डबल, 5 महीने में पैसा डबल। तो इस तरीके के चक्करों में घुसते गया घुसते गया घुसते गया। उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि सुसाइड कर लेना चाहिए। ध्यान से सुनना, मैंने पूरी स्टोरी ये वाली क्या है हमेशा कभी बताई नहीं है, पूरी स्टोरी कभी नहीं बताया हूं, आधी आधी बताया हूं, इस बार पूरी स्टोरी बता रहा हूं। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, कि ये समय जो है वो धीरे धीरे चेंज होता गया होता गया होता गया। 2012 से 2013, 2013 से 2014, 2014 से 2015। अब 2015 आते तक घर में 2 बार 3 बार उसके पता चल चुका था कि यार इतना इतना पैसा है, अप्रॉक्स 25 लाख। पच्चीस लाख रुपए का कर्जा उस बंदे के ऊपर हो चुका था। उसकी उम्र थी करीब 22 से 24 साल, 22 24 साल, 24 साल अप्रॉक्स, 23 साल यार, 23 ईयर्स की एज में 25 लाख का कर्जा। उसके मन में सिर्फ एक ही चीज आती थी, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि पैसे तो दे नहीं सकते थे, क्या कहां से लाएंगे। लोगों की धमकी आने लगती थी, मार देंगे, तू घर से बाहर निकल, तू कहीं मिल, बस तेरा मर्डर हो जाएगा, ये वो। तो 23 साल की उम्र में एक मतलब छोटा लड़का, आप समझिए, आप में से बहुत लोग होंगे 22 23 साल के, क्या एज होती है 22 23, कुछ ज्यादा समझ नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर, क्योंकि दिमाग में सिर्फ टेंशन 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 टेंशन, पैसा कहाँ से लाएं कहाँ से लाएं कहाँ से लाएं। मन में बहुत अजीब अजीब विचार आ रहे थे, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, गलत काम। मतलब मेन चीज क्या होती है कि गलत, अक्सर क्या होता है ना, लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं इस समय पर। ये सब चीजें जब होती है ना लाइफ में, तो लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स ने कभी वो चीजें सिखाई नहीं थी। तो उसने सोचा कि यार सुसाइड कर लेते हैं, खत्म करते हैं, झंझट ही खत्म हो जाएगा। एक दिन वो लड़का बैठा हुआ था रोड पर, एक दिन वो रोड पर बैठा हुआ था, रोड मतलब क्या बोलेंगे, जो फुटपाथ होता है ना, फुटपाथ पर बैठा हुआ था। और फुटपाथ पर बैठकर आते जाती गाड़ियों को देख रहा था, और उसमें सिर्फ 2 घंटे में उस लड़के ने ये देखा कि बहुत से लोग वहां पर कारों से जा रहे थे, बहुत से लोग वहां पर बाइक से जा रहे थे, बहुत से लोग वहां पर साइकिल से जा रहे थे, और बहुत से लोग पैदल जा रहे थे। उसी समय एक इंसिडेंस की बात बता रहा हूं, उस लड़के ने ये देखा कि एक आदमी अपनी वाइफ को साइकिल में पीछे बैठाकर, उसकी वाइफ की गोद में एक बच्चा था, और जो साइकिल का आगे एक ऐसा साइकिल में वो रहता है ना, ऐसे एक डंडा होता है सामने, उस डंडे पर एक सीट छोटी सी लगी हुई थी, उस पे एक बच्चा बैठा हुआ था, और वो लोग जा रहे थे साइकिल में। मतलब सोचो, साइकिल में वो बंदा अपनी वाइफ को बैठाकर, जिसके गोद में एक बच्चा था, एक बच्चा आगे बैठा हुआ था, वो लोग जा रहे थे साइकिल में, और खुश थे, बहुत खुश थे। मतलब चेहरे से खुशी दिखती है ना, कि बढ़िया बातें करते हुए हंसी मजाक से जा रहे थे। उस समय मुझे ये चीज फील आई, मुझे नहीं मतलब उस लड़के को, हालांकि एक स्टोरी मेरी ही है, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं, उस समय मुझे ये चीज फील आई कि यार एक माँ बाप के मन में क्या बीतेगी अगर मैं, मतलब मेरे माँ बाप के मन में क्या बीतेगी अगर मैं सुसाइड कर लूंगा। तो पैसा आज है कल नहीं है, या आज नहीं है कल है, लेकिन लाइफ जो होती है ना, जो माँ बाप अपने बच्चे को
बचपन से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनके मन पे क्या बीतेगी? ये चीज सोचकर मैं उठा, वापस आ गया घर। ठीक है, उसके बाद, अरे कौन है भाई टाइम टेबल, अरे रुक जाओ यार। तो उसके बाद क्या हुआ कि घर पर ऐसा था कि माहौल चल रहा था कि नहीं कुछ नहीं। अब घर पे मैंने सोचा कि सब बता देते हैं, तो पता तो चल चुका था घर में बहुत कुछ, ऐसा सब केसेस थे, 25 लाख देना था। घर पे बहुत मार पड़ी थी, बहुत ही मार, बहुत ज्यादा मार, बेल्ट ही बेल्ट मारे थे पापा। मतलब ऐसा हो गया था कि भाग जा तू घर से, यहां से तू मेरा बेटा नहीं, निकल जा घर से, ऐसा सब चीजें हुई थी। अकेले लड़के थे आप अपने फादर के, मेरी दीदी भी थी, मेरी दीदी थी, मैं था, शैगी था, मुझे मार पड़ रही थी तो शैगी और दीदी दोनों मेरे पास आ गए थे। और बस मतलब ये है कि उस दिन फादर ने एक चीज बोली थी जो दिल पे चुभ गई थी बात, ये चीज मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू बस घर बैठ जा, तेरे बीवी बच्चों को मैं पाल लूंगा, हमने इतना इतना तो कमा लिया है कि तुम जिंदगी भर बैठ के खा सकते हो, तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, तुम क्योंकि काम करोगे तुम सिर्फ डुबाओगे, तुम नालायक हो, नालायक इंसान, मतलब नालायक, एक नालायक औलाद को हमने जन्म दिया है, कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। ये जो वर्ड्स थे ना उनके फादर के, वो काफी रोए उस दिन मेरे फादर, मतलब मैंने जिंदगी में अपने फादर को ऐसा रोते हुए नहीं देखा था उस दिन, अपनी मम्मी को इतना रोते हुए मैंने नहीं देखा था, मेरी सिस्टर भी रो रही थी, सब रो रहे थे, और शैगी बेचारा एकदम डरा हुआ बैठा था, इसको मार पड़ी अब कभी मेरे को मारना पड़ जाए, तो वो भी एकदम डर के बैठा हुआ था। तो बस वो दिन था, और मैंने, और ये 25 लाख रुपए तो फिर पापा ने प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी FDs वगैरह मेरे नाम से करवा के रखी थी कि तेरी शादी में काम आएगी या एजुकेशन में काम आएगी, तो वो सारा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बेच के सब करके, जो इतनी 25 लाख रुपए मतलब बहुत बड़ी बात होती है यार, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पापा की सैलरी उस समय कुछ ऐसी 60-70 थाउजेंड हुआ करती थी, 60-70 हजार कमाने वाले एक घर में, परिवार में जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, शादी करने का समय हो चुका था दीदी का, और दीदी को MBA करना था, MBA में 10-20 लाख रुपए लगते हैं, ऐसे समय पर पापा भी एकदम ज्यादा परेशान कि मैं क्या करूंगा, कहाँ से लाऊंगा, और धीरे धीरे कैसे कैसे करके उन्होंने सारा चीजें निपटाया। लेकिन एक बात जो मेरे दिल में बैठ गई थी ना उस समय, वो ये थी कि कुछ करना है, और वो बिजनेस का जो मेरा भूत था ना मेरे दिमाग में कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, तो पापा ने सीधा बोल दिया कि बेटा तेरे लिए जो मैं पैसे जोड़ के रखा था ना कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो चलो तेरे को एक बिजनेस खोल देंगे कुछ पैसे लगा के, वो भी तूने गंवा दिए, अब कुछ नहीं कर सकता तू, अब तू घर पे बैठ। तब मुझे समझ में आया यार कि गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए। उससे पहले तक मैं कभी, मुझे बोला जाता था गवर्नमेंट जॉब कर ले, तैयारी कर ले, एग्जाम दे दे, मैं नहीं करता था। ग्रेजुएशन 2014 वाला था मेरा, 2015 भी मेरा पूरा खत्म हो गया था, मैं नहीं किया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊंगा। लेकिन नवंबर की बात है, अक्टूबर या नवंबर की बात है 2015 में, मैंने उस रात को जिस दिन ये सब हुआ उस दिन मैंने सोचा कि नहीं यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। मैंने सर्च किया गूगल में, और सब दुनिया भर के जितने पेपर होते हैं सब, सारे पेपर के बारे में सब कुछ मैंने डिटेल से उसमें देख डाला, मुझे सिर्फ बैंक एग्जाम का लगा कि मुझे ये करना चाहिए, और बस मैं भिड़ गया उसमें। घर वालों को ये था कि ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेपर नहीं निकलते थे यार, इतनी आसानी से थोड़ी निकलता है, ऐसी थोड़ी मतलब मुंह उठा के बस तैयारी करना चालू कर दियो पेपर निकल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन बस दिल पे एक चोट थी, एक दर्द था, महसूस हुआ था जो कि यार करना ही है कुछ भी हो जाए। दिन और रात मैं पहले आप लोगों को बताया था ना कि मैं सोता बहुत था, मैं दिन भर सोते रहता था, 12-12 घंटे 14 घंटे मैं सोते रहता था। लेकिन उसके बाद से ऐसा हो गया था, रात को 1-2 बजे के पहले मैं सोता नहीं था, और सुबह 7-7:30 बजे मैक्स टू मैक्स 7-7:30 बजे तक मैं उठ जाता था। मेरा रूटीन ऐसा हो गया था कि मैं दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, सोशल मीडिया से तो कोसों दूर, सोशल मीडिया कुछ नहीं, मोबाइल में सिर्फ कॉल किसी का आता था तो ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह रिप्लाई बहुत कम, कभी किया तो किए, नहीं किए तो नहीं किए,
सब कुछ दूर, सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, वो थी पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पीओ बनना है पीओ बनना है पीओ बनना है। उसके लिए जितनी चीजें मुझे करनी पड़ी मैं सब किया, कोचिंग किया मैंने, मैंने बुक्स खरीदी, मॉक टेस्ट खरीदे। सपोर्ट था घर वालों का हमेशा से कि हाँ आपको पैसे चाहिए पढ़ने के लिए, करो कोई दिक्कत। शुरुआत में मना कर दिए थे, बोले थे नहीं देंगे, तू कुछ नहीं कर सकता, तू नालायक है एकदम। लेकिन फिर धीरे 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 उन्होंने समझने लगे कि नहीं यार पढ़ रहा है कर रहा है कोशिश कर रहा है तो करने देते हैं। पर क्या हुआ, पेपर प्री क्लियर हो जाते थे मेरे, प्री क्लियर हो जाते थे, प्री में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दो प्री रुक गए थे, एसबीआई पीओ का पहली बार प्री दिया था तो रुक गया था कुछ एक डेढ़ नंबर से। आरबीआई असिस्टेंट का नहीं निकला था, दो तीन बार दिया था नहीं निकला उसका, बाकी सारे निकल जाते थे। आरआरबी पीओ क्लर्क तो पहले साल मैंने दिया ही नहीं 2015-16 में, लेकिन मेहनत मेरी स्टार्ट हुई थी 2016 से। 2016 से मेरी मेहनत स्टार्ट हुई थी, और वो जो मेहनत है वो करते 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 2017 के नवंबर में पेपर दिया था मैं, जो पेपर मेरा क्लियर हुआ था, सिलेक्ट हुआ था मैं उसमें। हालांकि 2017 के जनवरी में मैं सिलेक्ट हुआ था एक इंडियन बैंक में, लेकिन इंटरव्यू में बाहर हो गया था। पर 2017 नवंबर में मेरा आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, तो पीओ और क्लर्क दोनों के कॉल लेटर आए थे घर पे, काफी अच्छा लगा, घर वालों को भी खुशी हुई। फिर मैंने ज्वाइन किया था, मुझे आज भी डेट याद है, 14 मार्च 2018 को ज्वाइनिंग थी मेरी। दंतेवाड़ा पोस्टिंग मिली थी, जगदलपुर आरओ, रीजनल ऑफिस जगदलपुर का था, दंतेवाड़ा पोस्टिंग थी। और दंतेवाड़ा से भी बचेली जाना होता था मुझे, मतलब एक ऐसा इंसान जो कभी जॉब करने के लिए था ही नहीं, कभी नहीं। मैं हमेशा जब भी मेरी बात होती थी घर में, मैं पापा को हमेशा ये बोलता था, पापा मैं जॉब वॉब नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता, जो मैं जॉब वाला इंसान ही नहीं हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, अपने मन से करना चाहता हूँ, जब चाहो आराम करो, जब चाहे छुट्टी पे जाओ, जब चाहे, ये नहीं कि चार बार मतलब एप्लीकेशन दे रहे हैं सर छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए, वैसा इंसान मैं नहीं बन सकता। लेकिन हालात कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, तो बस बात वही थी दोस्तों कि यहाँ पर मैं इस स्टोरी से सिर्फ आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि मैं पीओ बना था हालात की वजह से, ठीक है, अपनी चॉइस की वजह से नहीं, मैं अपने हालातों की वजह से पीओ बना था। 86 पोस्ट थी, नहीं 118 पोस्ट थी मात्र, 118 थी छत्तीसगढ़ में, और क्लैरिकल में कुछ 200 के आसपास होगी, 200 या 86 थी, 86 थी, ऐसी कुछ थी पोस्ट, मुझे याद नहीं अच्छे से अभी। तो मैं अपनी हालात की वजह से पीओ बना था। आप लोग तो यार चाह के अगर कर रहे हो और फिर अगर पेपर नहीं निकल रहा है तो आप लोग डीमोटिवेट क्यों होते हैं? डीमोटिवेट होना कभी नहीं चाहिए आपको, आपका लक्ष्य हमेशा हमेशा दिखना चाहिए कि यार मुझे ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी बोले। मुझे पापा बार बार बोलते थे, अरे तेरे से नहीं होगा यार, तू छोड़ दे, तू बार बार फॉर्म भरते रहता है, पैसे बर्बाद करते रहता है, तू छोड़ दे, तू दुकान उकान खोल देते हैं, दुकान उकान में बैठ जा, कहीं नौकरी कर ले 10-15 हजार की। लेकिन मैं नहीं करता था, मैं नहीं मानता, नहीं मैं करूंगा, मैं जिद्दी इंसान था एकदम, बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान था मैं, मुझे तो करना है, मैं तो करूंगा, मैं पीओ बनूंगा। बस दिमाग में एक ही चीज थी, पीओ बनना है। अगर किसी दिन मैं थोड़ा ज्यादा सो लेता था ना, अगले दिन मुझे रिग्रेट फील होता था, यार क्यों सोया कल, कल थोड़ा और मेहनत कर सकता था, थोड़ा और मेहनत कर सकता था कल। बस ये जो चीजें होती है ना, जैसे किसी दिन दोस्तों के साथ मूवी चला गया, बहुत समय बाद कभी मूवी चला गया, अखरता था यार क्यों गया मूवी, नहीं जाना चाहिए था। अभी मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे पेपर क्लियर करना है, मुझे जॉब चाहिए। लोगों की जॉब लगते जा रही थी धीरे धीरे, जितने भी दोस्त थे, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, लगते जा रहा था लगते जा रहा था लगते जा रहा था। तो बस बात वही होती है दोस्तों कि आप जब किसी चीज के पीछे एकदम शिद्दत से लग जाते हैं ना, एक वाली वो थी यार ओम शांति ओम मूवी की, किसी भी चीज क्या, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश कर, बस वही वाली चीज कुछ होती है लाइफ में, और ये सच है, ये सच है बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप कर लोगे,
लोगों को लगता था, लोगों को देखो क्या होता है ना, लोगों को यही लगेगा, स्कूल में मैं नॉर्मल एक स्टूडेंट था तो लोगों को यही लगता था, अरे ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, पूरे परिवार वाले में सबको यही लगता था, अरे ये तो पढ़ाई में होशियार नहीं था, ये क्या करेगा। मेरे ही परिवार में मेरी जो सिस्टर्स हैं, जो कजिन कजिन है मेरे बहुत सारे, वो सब पीओ की तैयारी कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, टॉपर, अच्छे अच्छे टॉपर, 90% से ऊपर वाले नहीं कर पाए, होता ही नहीं था उनका सिलेक्शन। तीन तीन साल, चार चार साल मेहनत करने के बाद क्लर्क में लगी एक सिस्टर हमारी, अभी अभी 5-6 साल हो चुके तो अब प्रमोशन होके पीओ बन गई है। एक सिस्टर तो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, आज तक उनकी उनका हुआ ही नहीं है, अब शायद उन्होंने तैयारी भी छोड़ दी है। मेरी सिस्टर भी कर रही थी बैंक की तैयारी, बैंक की तैयारी नहीं हुई, उसने सही समय पे स्विच किया कैट की, कैट में अच्छे खासे परसेंटाइल आ गए, बहुत अच्छे तो नहीं, 86 परसेंटाइल आ गए, अच्छा कॉलेज मिल गया, प्लेसमेंट हो गया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब लग गई, 60-65 हज़ार रुपये सैलरी है। तो उसने भी सही समय पर डिसीजन ले लिया कि हाँ चलो मुझे स्विच करना चाहिए, इधर जाना चाहिए। तो बात वही है दोस्तों, एक चीज को समझिए, लाइफ में कभी भी जो लाइफ में जो टेंशन होती है ना, एक ये सर्कल जो है ना, ये चलते रहता है, ये रुकता नहीं है, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है, कभी कुछ अच्छा होता है, फिर कभी कुछ बुरा होता है। आप अगर सोचोगे कि लाइफ आज अच्छी है तो जिंदगी भर अच्छी रहेगी, नहीं होता ऐसा, ऐसा कभी नहीं होता। मेरी एक लाइफ, मेरी जब लाइफ उस समय बहुत बुरी थी, 2000 मैं बोलूं 2012 से लेकर 2015-16 तक बद से बदतर वाली लाइफ थी मेरी, एकदम बदतर वाली लाइफ थी। मैं मतलब एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा यहां पर, इस चीज को बहुत लोग गलत वे में भी ले लेते हैं, लेकिन गलत वे में मत लीजिएगा, खैर जो लेता है ले यार, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्मोकिंग की आदत लग गई थी, ठीक है, स्मोकिंग की आदत लग गई थी कॉलेज में। अब होता क्या, कॉलेज में पैसे तो होते नहीं है, तो स्टार्ट हमने किया था 5 रुपए की सिगरेट आती थी एक, ये स्टोरी सुन के यहाँ जितने लड़के हैं जो स्मोक करते होंगे उनको उनको थोड़ा सा फील होगा, उनको समझ में आएगा। ऐसी हालत थी उस समय कि 5 रुपए की एक एक सिगरेट आती थी, पैसे नहीं होने की वजह से, ये सुने होगे बीड़ी, सुने हो कि नहीं सुने हो, 10 रुपए में 20 आती है, तो ये तक पिया था एक समय पे, मतलब ऐसा तक ये नौबत तक आई है दोस्तों कि अगर जैसे कोई दोस्त पी रहा है ना, तो वो पी लिया थोड़ा सा बच गया, भाई दे दे यार, ये नौबत तक थी उस समय। तो लाइफ में ना डाउनफॉल बहुत गंदा आता है, पर वहां से अगर आप उठ गए तो आप बहुत आगे जाओगे। अगर आप सिर्फ अपने आप को कोसते रहोगे, अपनी लाइफ को कोसते रहोगे कि आपने लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ बेकार है, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, लाइफ आपको लाइफ मिली है ना, जो लाइफ ये लोगों को नहीं मिलती, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, आप ये सोचिए कि आपके पास सब कुछ है। आप कभी ना एक ऐसे इंसान को देखिएगा जिसके हाथ नहीं है, जिसके पाँव नहीं है, आप सोचिए, कंपेयर करिए कभी उनसे, वो जी रहे हैं ना अपनी लाइफ, आपके पास सब कुछ है, आपके पास पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, घर है, परिवार है, आपको इतना अच्छा मतलब वो शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, एग्जाम फॉर्म्स आप भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत अपनी पढ़ाई पर ज्यादा दे दो यार, क्योंकि ये समय चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। आप आज पढ़ लोगे तो आगे लाइफ पूरी की पूरी लाइफ आप इंजॉय करोगे, पूरी लाइफ इंजॉय करोगे, और आपकी नहीं, आपके पेरेंट्स भी इंजॉय करेंगे कि हाँ भाई चलो हमारा बच्चा सेटल हो गया। तो जब तक आप सेटल नहीं होते हो, तब तक के लिए आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि ये जो कंफर्ट जोन होता है ना हमारा, जो हम सोचते हैं ना कि हम इस जगह पर हैं और हमको बस ऐसा ही ठीक है, हम 8-10 घंटे सोते हैं, नींद, जब आप लोगों को ये चीज पता होगी जो लोग सोते हैं बहुत ज्यादा, आप लोग बोलते हो ना कि सर नींद बहुत आती है क्या करें, जब आप लेटे रहते हो और जब आपकी नींद खुलती है और आप सोचते हो ना थोड़ी देर और सो लेते हैं,
वो होता है कंफर्ट जोन, उससे बाहर निकलो, वो आपको बर्बाद कर देगा। जितनी जल्दी आप उस चीज से निकलोगे ना, उतना जल्दी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। अब उस चीज से बाहर कैसे निकला जाए, भाई बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, एक एम बनाओ अपनी लाइफ का, मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है। मतलब बात वही होती है ना, जैसे एक एक स्टूडेंट जब पढ़ाई कर रहा है, जब मैं पढ़ाई करता था, जब सुबह 7 साढ़े 7 बजे बजते अलार्म बजता था, तो मैं कभी भी ये नहीं करता था यार अलार्म बज गया चलो 5 मिनट बाद उठते हैं। अलार्म बजा, तुरंत बिस्तर से उतरे, गए सीधा मुंह धोए, ब्रश किए, चाय लेकर बैठ गए। तो बात वही होती है कि आपको फिक्स रखना पड़ेगा, फिक्स एकदम, नहीं मुझे करना है, मुझे 7:30 बजे उठना है, मुझे 7:30 बजे से पढ़ने बैठ जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे 7:30 बजे से पढ़ने बैठ जाना है। सोने का समय कुछ भी हो, आप रात को सीरीज देख रहे हो, देखो कोई दिक्कत नहीं, 2 बजे तक देखो, 3 बजे तक देखो, लेकिन आपके सोने के समय से उठने के समय में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। फिक्स करो इस चीज को। लोग जब ताना मारते हैं तब क्या किया जाए, मैं तो सिंपल है, हाँ नहीं कर सकते, मैं तो ऐसे ही बोलता था सिंपल, कोई भी जैसे बोलता था ना, और बेटा क्या कर रहे हो, बस फेल हो रहे हैं पिछले 2 साल से, 2 साल से फेल हो रहे हैं, प्री निकल जाता है पर मेंस नहीं निकल पाता है, पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, फिर भी लगे हुए तैयारी कर रहे हैं। सीधा बोलो ना यार क्या फर्क पड़ता है, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, खत्म बात, मेहनत कर रहे हैं हम अपनी तरफ से, डरते क्यों हो, मेहनत कर रहे हो ना, खुद पर भरोसा है ना, तो फिर डरते क्यों हो, तानों से क्यों डरना है यार। कोई बोलता है कि अरे तुमसे कुछ नहीं हो पाया, हाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है नहीं हो पाएगा, आप ही कर लो, आप करके दिखा दो। लाइफ में सक्सेस तभी मिलती है दोस्तों जब आप उसके काबिल बनते हो। और उसके काबिल आप कैसे बनोगे, मेहनत करके। अब लोग बोलते हैं सर मेहनत तो हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दोस्तों है आपके कंफर्ट जोन में जो आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो अभी भी, कुछ तो ऐसी चीज है अपने कंफर्ट जोन में। जब आप ना कॉम्प्रोमाइज करने लग जाओगे ना, जिस दिन आप कॉम्प्रोमाइज करने लग जाओगे, जैसे मैं जब पढ़ाने आया ना, तो मैं हालांकि नो डाउट उससे उसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, वो कुछ समय के लिए होना चाहिए, मैंने बहुत ज्यादा समय तक उस चीज को कर दिया जिस वजह से अब थोड़ी हेल्थ इश्यूज आने लगी है। जब तक मैं पढ़ रहा था तब तक ठीक था, पढ़ने के बाद उसके बाद मुझे थोड़ा सा हेल्थ के लिए सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत सी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर दी थी, जैसे कि मैं सुबह उठकर सिर्फ चाय, ये देखो चाय पीकर यहां पर बैठे रहता हूं, सिर्फ मैं खाना वाना कुछ नहीं, आज तो हालांकि खा लिया हूं मैं आज, क्योंकि मैं सो रहा था दिन भर तो दोपहर में खा लिया था, लेकिन नॉर्मली जो मैं पिछले 2-3 सालों से जब से पढ़ा रहा हूँ, मेरा रूटीन क्या होता था, सुबह बादाम खा के आके यहाँ पर चाय लेकर आ जाता था, चाय पिए और 2-3 बजे तक बैठे, 3-3:30 बजे सीधा मैं खाना खाता था, कोई नाश्ता नहीं कुछ नहीं, रात को कभी खाए तो खाए, और खाए भी तो रात को 12-1 बजे खाए। तो मतलब कुछ कुछ चीजें मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दी थी, खाना पीना सब ये सब, पेट वेट निकल गया एकदम, हेल्थ इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये वो जो भी है। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं यार हो गया, बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिए, अब थोड़ा सा हेल्थ के लिए सोचना चाहिए। तो आप लोग ये चीज को करिए, कुछ समय के लिए करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए करो, लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो हेल्थ में इशू आएंगे, लेकिन अगर आप एक मिनिमम मिनिमम टाइम के लिए, 1 साल 2 साल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं ना अरे सर 8 घंटे नहीं सोएंगे तो तबीयत खराब, नहीं होती यार, 1-2 साल आप कर सकते हो, अभी जवान हो, अभी बॉडी आपकी रिएक्ट नहीं करेगी कुछ भी उस चीज में। अब मेरी एज बढ़ते जा रही है, 28 का हो चुका हूं, तो थोड़ा सा बॉडी क्या है, लगता है कि हाँ नहीं रेस्ट जरूरत है, जरूरत। 21, 22, 23 की उम्र में ये सब चीजें आपको कुछ नहीं, आपकी बॉडी पूरी एनर्जेटिक है, कर सकते हो, मेहनत करो, सोने से कुछ नहीं मिलेगा यार, मूवी देखने से कुछ नहीं मिलेगा, मूवी बाद में भी देख सकते हो, सीरीज देखने से कुछ नहीं मिलेगा, बाद में भी देख सकते हो, दोस्तों के साथ बतियाने से, ग्रुप में टेलीग्राम में बातें करने से कुछ नहीं, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट ठीक है, 10 मिनट बात ये हो गया, पढ़ाई करो। मेरा काम है समझाना, आपके पेरेंट्स का काम है समझाना, होता ये है कि 100-200 लोग समझ जाते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते। जो समझ जाता है ना लाइफ में वो आगे जाता है। हर कोई आगे क्यों नहीं बढ़ता है, उसके पीछे का रीजन कभी सोचिएगा, हर एक इंसान आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि जो जुनून होता है ना, जो मोटिवेशन होता है ना, वो सिर्फ 2 दिन का होता है,
वो मोटिवेशन अगर आपके अंदर से निकल कर आ गया ना किसी दिन, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी काबिलियत है, आपको कोई रोक नहीं सकता। इतना आगे जाओगे आप, बहुत आगे जाओगे। अपनी काबिलियत को समझिए, अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट को समझिए, यूएसपी। हर किसी का यूएसपी अलग होता है, आपको वो चीज को समझना है। मेहनत करिए, आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। खत्म करते हैं क्लास को, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिए आज। अच्छा एक चीज और, कि भाई इतना जो मेरे फादर ने जो उस समय मतलब किया था ना सब खर्चा और ये वो 25 लाख पूरा जो पटाया था, पूरा अपनी शादी का पूरा खर्चा मैंने उठाया था पूरा। मैंने मैंने जितनी भी मेहनत की, जितने भी मैंने पैसे कमाए, सेव किए, जो भी किए, मैंने अपनी पूरी शादी का खर्चा मैंने खुद उठाया। जो ये 25 पापा ने दिए थे, पापा को वापस भी मैंने कर दिया, अभी अभी किया हूं, ये वापस भी कर दिए मैंने पापा को। क्योंकि एक एम बनाकर मैं चल रहा हूं कि हाँ ये 25 मैंने लिए थे, 25 वापस करने हैं। तो वही चीज है कि आप अपने लाइफ में एक एम बनाओ, जब तक उस एम को पा ना लो दूसरा एम मत बनाओ। कुछ लोगों का क्या रहता है, वो चार एम बनाते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। करना कुछ नहीं है, चार एम मत बनाओ, एक एम बनाओ, पहले उसको अचीव करो, वो जब हो जाए दूसरा एम, वो अचीव हो जाए तीसरा, तीसरा अचीव हो जाए चौथा। अब कुछ लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ नहीं हो पाता है दोस्तों। एक एक एम बनाएंगे, छोटे छोटे एम बनाएंगे। चलिए खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। एक फेलियर से इंसान फेल नहीं हो जाता, इंसान की लाइफ खत्म नहीं हो जाती। फेलियर इज द की टू सक्सेस, मतलब फेलियर्स की सीढ़ियां बनाते जाओ और ऊपर बढ़ते जाओ। अगर बात की गहराई को समझे हो तो बहुत अच्छी बात है। माँ बाप का नाम रोशन करिए, जिंदगी भर उनका जो आशीर्वाद मिलेगा ना आपको, आप और आगे जाओगे। और माँ बाप से कभी भी चिढ़ा मत करो, माँ बाप चिल्ला देते हैं, बुरा भला बोल देते हैं, आपके भले के लिए बोलते हैं। मैं अगर बुरा भला आपको बोल देता हूँ, कभी चिल्ला देता हूँ, तो मैं आपके भले के लिए बोलता हूँ। जो दुआएं होती है ना, जो एक जो हम बोलते हैं ना, आप लोगों को ऐसा लगता होगा अरे सर ऐसे गॉड ब्लेस यू बोल देते हैं, ऑल द बेस्ट बोल देते हैं, ऐसा नहीं, वो दिल से आता है, दिल से। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें, कुछ करें लाइफ में। जो पेरेंट्स आप लोगों को जो आशीर्वाद देते हैं ना, जो बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, हम उनको नमस्ते बोलते हैं, तो वो आशीर्वाद देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लगता है अगर आप दिल से कर रहे हो तो। उनकी रिस्पेक्ट करिए, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। कितना भी मंदिर चले जाओ, कहीं कितना भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, माँ बाप से बड़े भगवान होते ही नहीं है लाइफ में। सेकंड टीचर, पहले माँ बाप फिर टीचर। चलिए खत्म करते हैं, खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।